जलसा गांव में कुछ देर पहले तक तो अभी खबरें आ रही थी कि जलसा गांव जहां पर उन्होंने जलसा करना है वहां मौजूद थे। शोएब शाहीन साहब, अब क्या फैसला आपने आपकी जमात ने कहा है कि हर हवाले से आपने जलसा करना है, क्या सूरत हाल है, क्या आप किस चीज का आपको सामना है? देखें, इस वक्त तक हमारे पास कम से कम 6 हुक्मनामे हाई कोर्ट के मौजूद हैं और इनकी 3 दफा अंडरटेकिंग मौजूद है डीसी की और एडवोकेट जनरल की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि हम इनके अब दिए हुए इस जगह के जलसे को कभी मंसूख नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद रात की तारीखी में इन्होंने मंसूख किया, आज भी और पिछली दफा भी किया था, पिछली दफा हमने कैंसिल कर दिया था इनके कहने पर, और अब हमने जलसा करना है, हर हाल में करना है, हमारा बुनियादी हक है। और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुके हैं, और वैसे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बताएं जब आपने वर्कर कन्वेंशन और जलसों की इजाजत नहीं देनी तो ये इलेक्शन काहे के और किसके कहने पे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये कठपुतलियों को खौफ है कि ये पूरी पब्लिक और कौम इकट्ठी हो जाएगी और ये नहीं होने देना चाहते। और जलसा आपने सबाबी का हमारा देख लिया था, अब हमने ये फैसला किया। अभी मैं गया था हाई कोर्ट में कि कंटेंप्ट फाइल करूं, लेकिन बहरहाल वो दरवाजे नहीं खोले गए। हम आप सुबह सवेरे कंटेंप्ट फाइल करेंगे, रात को अगर कोई हमारे, लेकिन शोएब शाहीन साहब जी ठीक है, शोएब शाहीन साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके जवाब में ये बात बहुत अहम है कि आईजी ने ये कहा है कि पीटीएम शामिल हो रही है आपके जलसे में, तो मेरा सवाल ये कि चूंकि पहले एक रियासत मुखालिफ बयानिए का इल्जाम लगता है आपके ऊपर, ऊपर से अगर पीटीएम शामिल हो रही है तो वो भी एक आपकी मुखालफत में बात जाती है, तो इसको क्लैरिफाई कर दें कि पीटीएम आपके जलसे में होगी या नहीं, या आपने ऐसी कुछ तैयारी की है? देखें, पहली बात तो यह है कि पीटीएम हमारे जलसे में शामिल नहीं हो रही, लेकिन दूसरी बात है कि अगर पीटीएम शामिल हो भी तो इनको क्या तकलीफ है? पीटीएम को तो इन्होंने खुद इसी तरनोल की इसी जगह पे इजाजत दी थी जलसा करने की, आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले। इन बेईमानों को यानी कि सिर्फ हमसे तकलीफ है कि भाई हमारा जलसा है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का जलसा है, इनको क्या तकलीफ है कि कौन पाकिस्तान का बंदा आता है कौन नहीं आता? इन्होंने तो सिवाय बेईमानी के और इन कठपुतलियों के कहने पे और सिवाय हमारा एनओसी मंसूख करने के आखिरी रात 6 दफा कोर्ट के आर्डर्स के बावजूद इन्होंने उसको वायलेट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंसाफ के रास्ते में रुकावटें और क्या पैदा करें। शोएब साहब, क्या ये बात ठीक है? शोएब साहब, ये बात ठीक है कि जलसा क्योंकि एनओसी तो मंसूख हो गया है, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर के पी जो है वो जो भी वहां से लोग आएंगे, जो कारवान आएंगे, वो उसको लीड कर रहे हैं, वो खुद शमूलियत हासिल कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी शमूलियत करेंगे और पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जीपी और कश्मीर से, हम यहाँ के होस्ट हैं, मैं यहाँ का एमएनए हूँ, ये अलग बात है कि कठपुतलियों ने जिनको मुसल्लत किया गया, अलग बात है, हम फेडरेशन की अलामत हैं, पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स हमारे आ चुके हैं। और लेकिन शोएब साहब, जब की कोशिश की हर केपी के चीफ मिनिस्टर, जब केपी के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो फिर वो तमाम तर जो वो उनके साथ जो सिक्योरिटी है, जो केपी की जो जो भी यानी के आप कह लेंगे पुलिस है या सूबाई हुकूमत के जो वसाइल हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो सब इस्तेमाल होगा? देखें, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन वो जलसे की सदारत करेंगे, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारी पूरी लीडरशिप वहां मौजूद होगी और हम बिल्कुल हम पूरा मन। लेकिन शोएब साहब, जलसा तो हो नहीं रहा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, क्लियर करवाना चाह रहे हैं शोएब साहब, कि जलसा नहीं हो रहा तो क्या आप रेजिस्ट करके जलसा करेंगे, आप लड़ाई करेंगे? क्योंकि जलसा तो आपको नहीं करने दिया जा रहा, आप चाहे जितना भी चाहें तो आप रेजिस्ट करेंगे कल? अली अमीन गंडापुर साहब लड़ाई करेंगे, क्योंकि हो चुका है जमान पार के मामले में कि पाकिस्तान के अंदर की ही डोमेस्टिक फोर्सेस पीटीआई के पॉलिटिकल मामलात में आपस में लड़ पड़ी हैं, एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑलरेडी। पहली बात तो आपको बता दूं, क्या इन कठपुतलियों ने या इस जो ये जो गुलाम ब्यूरोक्रेसी इन्होंने अपने नौकर रखे हुए हैं, क्या इन लोगों ने आईन को मुअत्तल कर दिया है? क्या इन्होंने अदालतों के फैसलों के ऊपर एपलेट अथॉरिटी बन गए हैं? अदालतों ने हमें हुक्मनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे हैं, हमारे केस में 6 हुक्मनामे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इनकी अंडरटेकिंग मौजूद है, और आईन ये कहता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है टू प्रोटेस्ट।
और कोर्ट ने कहा है कि आप अपने, और फिर इस्लामाबाद के इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी इनको सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे, ये पाबंद नहीं है कि हमें ये NOC दें या ना दें। बिलाल साहब, कोर्ट ने हमें ये परमिशन दे रखी है और ये ऑर्डर कर रखा है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई ऐसा ऑर्डर करेगी तो हम उनके पाबंद नहीं है, हम आईन के पाबंद।